सच्चाई होती है, शांति होती है, उनके साथ बैठने से सामने वाले को भी चैन मिलता है। लेकिन ये बेचैन बाबा है, ये आउट ऑफ कंट्रोल बाबा है, कोई कंट्रोल नहीं, ये गुस्से में रहते हैं, धमकाते रहते हैं लोगों, इतने बेचैन के मैंने कभी बाबा नहीं देखे। अभी बुजुर्ग भी नहीं है, ना ही बाबा है, क्या कहो, लेकिन मुख्यमंत्री बने, रोज लड़ाई लड़ते हैं मुगलों के खिलाफ। इस देश में, हमारे प्रदेश की इतनी समस्याएं, इतनी समस्या है, जितना उन समस्याओं में घुसते हो, समझने की कोशिश करते हो, एहसास होता है, इतना काम बाकी। और इनकी मस्ती देखो, इनको लड़ाई लड़नी है औरंगजेब से, अरे भुखमरी से लड़ाई लड़ो, कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ो, जंग लड़नी है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ो, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ो, समाज में साइंटिफिक टेम्परमेंट बने, विज्ञान को लोग समझे, शिक्षा तालीम को लोग हासिल करें, ये लड़ाई लड़ो। किसान मारे जा रहे हैं, मंडी का भाव नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रही, बिजली का डीजल का भाव है, किसान फुसले जा रहे हैं। ऐसी ताकतों के खिलाफ जंग लड़ो, लेकिन बाबा को लड़ना है। और मुझे केरला में बाय इलेक्शन हुआ था, उस समय भी उन्होंने ऐसी चाल चली थी, उन्होंने कहा कि हमें तो जिन्ना से लड़ना है। वहां किसानों में मैं गया, गांव टू गांव, घर टू घर प्रचार हुआ, लोगों को समझ में आई, क्योंकि जिन्ना से बाद में हमें लड़ना नहीं है, अब तो हमें गन्ने की बात करनी। तो गन्ना जीता। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत ने आज मुरादाबाद की एक जनसभा में मंच से बोलते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नया नामकरण करते हुए उन्हें बेचैन बाबा कहकर संबोधित किया और आउट ऑफ कंट्रोल बाबा तक कहा और अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि योगी हमेशा गुस्से पर सवार रहते हैं और रोज मुगलों और औरंगजेब से लड़ने की बात करते हैं। जयंत चौधरी ने विगत दिनों केराना के उपचुनाव के दौरान योगी द्वारा जिन्ना पर दिए गए वक्तव्य का भी हवाला दिया। जयंत चौधरी ने मंच से प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला बोलते हुए उनके कपड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि पहले मोदी जी जनसभाओं में देश के लोगों के सामने आ भी जाते थे, पर अब तो कुछ अलग तरह के कपड़े पहनकर दूरी बनाए हुए हैं और देश के किसानों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पिछला चुनाव भी हम साथ मिलकर लड़े थे और इसलिए उसी राह पे हम चल रहे हैं। लेकिन आप जो संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं तो ये सहयोगी दल से बात करके कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी अलग है और इसलिए अलायंस में भी कोई पार्टी अपने मुद्दों को नहीं छोड़ती, इसलिए पहले हम जनता को अपने मुद्दे बता रहे हैं। जब अलायंस होगा तो मुद्दों पे सहमति होगी और जब दो पार्टियां होती, जरूरी नहीं है कि हम 100 बात कहेंगे 100 में से 100 मानी जाएंगी, सर जरूरी नहीं है सरकार बनेगी कि 100 में से 100 काम होंगे, लेकिन हम अपने निश्चय को जनता के बीच ले जा रहे हैं, ये हमारा संकल्प है। आपने एक बयान दिया है कि जो अभी 20 का मैच हुआ था, T20 मैच हुआ था, मोदी जी ने उसको मैच को हरवाया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी प्रतिक्रिया मैं इसमें क्या कहूँ भाई, एक बात है, पैरालंपिक जब खिलाड़ी मेडल जीत के आते हैं उसका श्रेय मोदी जी लेना चाहते हैं, सच्चाई है, लेकिन जब किसान देश का आत्महत्या करता है तो जवाबदेही किसी की नहीं। हमारे प्रदेश के ललितपुर के दो किसानों की, एक ने तो आत्महत्या की है और एक की मौत होगी, 3 दिन वो लाइन में खड़ा रहा खाद के, वहाँ कोई जिम्मेदारी नहीं लगी, ये सच्चाई देश की। बॉर्डर के पास 6 महिला किसानों की फिर मौत हो गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 3 महिला किसान थी जिनको ट्रक चला के, हाँ बॉर्डर पे ट्रक चला, लेकिन वो मुझे लगता है कि दुर्घटना होगी, मुझे पूरी जानकारी उस घटनाक्रम की नहीं, और मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगा उन परिवारों के प्रति, क्योंकि बहुत बड़ी कुर्बानी है, अपने काम को, परिवार को, क्षेत्र को, गाँव को छोड़ करके वहाँ लोग जमे हुए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए।